ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जौनपुर जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, उसमें से मैं मछली शहर से विधायक चुनकर के आई हूं, इकलौती महिला विधायक। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम महिला के प्रतिनिधित्व में पीछे उसके चल रहे हैं। हम कैसे महिला के पीछे चल सकते हैं? तो मैं उन सबको बोलना चाहती हूं कि हम आपको पीछे नहीं चला रहे, हम चाहते हैं आप हमारे बगल में हमारे साथ साथ चलें। इस सदन की शोभा तभी तक है जब तक पक्ष और विपक्ष साथ में यहां पे बैठता है। जो देश विकसित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि वहां पे अगर राजनीति में महिलाओं का अगर हम देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो 30% तक पहुंच चुका है। 5 दिन के सदन में हमें एक दिन का मौका मिला है, आप सोचिए आपको इससे दुख हो रहा है, और 75 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि हमें ये मौका मिले। देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा। दिन की रोशनी गुजर गई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी सदन उत्तर प्रदेश की सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने अवसर दिया, मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करती हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, आदरणीय डिंपल भाभी का, जिनकी प्रोग्रेसिव सोच के कारण आज विपक्ष में होने के बावजूद भी अगर हम रेशियो निकाल लें तो जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका रेशियो पक्ष के समान है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी समाजवादी पार्टी की सोच को, जो सोच कहती है कि नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता, नेतृत्व का होता है एक विचार, एक सोच, एक विचारधारा जिससे आप लोगों को खुद से जोड़ते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा, जब नारी विकास करेगी तभी देश का विकास होगा। आज से कई सालों पहले जब अध्यक्ष जी आप, मेरे पिता, उनके सहपाठी जब स्कूल में जाया करते थे तो वहां पे पढ़ाया जाता था कि 3 प्रकार के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। और तब वो अपने अभिभावकों से पूछते थे कि हमारा देश विकासशील की श्रेणी में आता है, ये कब तक विकसित हो जाएगा? तो उन्हें कहा जाता था कुछ नहीं, आज से 8-10 सालों में हमारा देश विकसित हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आपके बाद हमने भी स्कूल की पढ़ाई की, हमने भी स्कूल जाना शुरू किया और हमें भी वही पढ़ाया गया, और हमने भी जब ये पूछा सवाल तो हमें भी वही उत्तर मिला। आज एक नई जनरेशन स्कूल जाने को तैयार है, लेकिन आज ये देश अपना जवाब नहीं बदल पाया है। क्या हमने कभी इस बात पे मंथन किया है? आज ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, ये सत्र ही उसका जवाब है कि आज जो हम 403 विधायकों में सिर्फ और सिर्फ 47 महिला विधायक हैं, वो उसका जवाब है कि जिसकी वजह से आज हमारा देश विकासशील से विकसित देश नहीं हो पाया है। मैं आज बताना चाहती हूं कि अगर हम देश में देखें कि महिलाओं का राजनीति में नेतृत्व के परसेंटेज को निकालें तो सिर्फ और सिर्फ 9% महिलाएं हैं जो पूरे देश में जनप्रतिनिधि के रूप में अपना नेतृत्व कर रही हैं। और इस आंकड़े को अगर हम किसी भी डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो वहां पे जो देश विकसित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि वहां पे अगर राजनीति में महिलाओं का अगर हम देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो 30% तक पहुंच चुका है। और हमें भी अब इस पे विचार करना जरूरी है, और इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देने की जिम्मेदारी इस सरकार को उठानी चाहिए, इस प्रदेश को उठानी चाहिए और इस देश को उठानी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था,
कि मैं किसी भी समाज